सामने कुछ शब्द बोल के कई कार्यक्रम में उनको जाना है। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्ते। जो मेरी बात सुन सक रहे हैं और जिन तक मेरी ये बात जा रही है, आप सबसे कहूंगी कि ये एक मौका मिला है आपको, इस एक मौके को गवाइएगा मत। 30 तारीख सुबह सुबह कमल चिन्ह पर वोट जरूर देने आइएगा। इस इलाके में जितने लोग रहते हैं, हर बिल्डिंग में किसी ना किसी को मैं जानती हूं, कोई ना कोई दोस्त है, कोई ना कोई रिश्तेदार है। शायद यही कारण है कि बीबी इतनी घबरा गई है, क्योंकि कल तक हम जैसों की कोई इज्जत नहीं थी उनकी नजर में। हम बैरागत थे, उनका ये कहना था कि हम बैरागत हैं, यहां के नहीं हैं, जबकि 100 वर्षों से हम यहीं जन्मे, यहीं रहे, उसके बावजूद हमें बैरागत कहा गया। ये कहा गया कि मारवाड़ी का काम है धंधा करना, बिजनेस करो, इससे बेसी और किसी चीज की उम्मीद मत रखो। मैं ये पूछना चाहती हूं, आज जितने मारवाड़ी भाई मुझे सुन सक रहे हैं, उन सब से पूछना चाहती हूं, आज थे बताओ मैंने कि क्यों मारवाड़ी सिर्फ धंधों का लगो, क्यों मारवाड़ी की छोरी राजनीति को नहीं कर सके, क्यों मारवाड़ी की पढ़ी लिखी लड़की राजनीति में को नहीं आ सके। इको जवाब थाने देनो है, बिल्डिंग से नीचे उतर के वोट के माध्यम से देनो है, और घबराने की कोई दरकार को नहीं। मेरे कान में यह बात आ रही है, सुनने में यह बात आ रही है कि धंधा जो कर रहा है वह बिल्डिंग में जो रह रहा है, बिन सबने दीदी का ये गुंडा जा जाकर धमका रहा है, बोल रहा धंधों को नहीं करने देवांगा, काम को नहीं करने देवांगा। मैं थाने बोलूं, थारी बेटी खड़ी है थारे साथ, एक बार नाच नचाई हूं हाईकोर्ट में, दोबारा नचा दूंगी। अपनी पहचान, अपनी औकात समझाई ममता बनर्जी ने, दोबारा समझा दूंगी। और मैं देखू हुकुन काउंसिलर की कितनी औकात और कितनी हिम्मत है, कौन सी बिजली, कौन सो पानी, की चीज की लाइन, कौन सा मकान की काट है। प्रियंका तिबरेवाल खड़ी है, फोन नंबर थारे कने सगला कने है, तो ई डर में बिल्कुल भी मत आई हो। जो ये कहते हैं बार बार कि आप जहां वोट देंगे इनको पता चल जाएगा और फिर आपसे बदला लेंगे, तो मैं आपको बताती हूं, वोट कंप्यूटर पर होता है, किसने किसको वोट किया ये कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ नतीजा जो है वो बताता है जीत या हार। एक बूथ पे 800,000 वोट होते हैं, तो उसमें दीदी कौन सी बिल्डिंग को पकड़ेगी कि किस बिल्डिंग ने वोट दिया, किसने नहीं दिया। एक बार हिंसा करने की कोशिश करी थी, पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर दिया मैंने उनको, उनका चेहरा दिखा दिया, एक एक आदमी को बता दिया कि क्या किया उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ। दोबारा चेष्टा भी मत करना, क्योंकि मैं वही प्रियंका तिबरेवाल हूं जिन्होंने आपको एक महीने पहले कैलकटा हाईकोर्ट में धूल चटवाई है। और सीबीआई और एसआईटी टीम अभी भी यहां काम कर रही है। मेरी तो ये राय है कि आपके पाले हुए ये जो नेता, ये जो गुंडे हैं, इनको बचाइए, इनको संरक्षण दीजिए, क्योंकि थोड़े दिन में बहुत सारे अंदर जाएंगे, जिन लोगों के हाथ है वायलेंस में, जिनके हाथ और पांव दोनों हैं औरतों के निर्जातन में, रेप में, हत्याओं में, उनका सामान बांधने का टाइम आ गया, क्योंकि रहना पड़ेगा जेल में। तो मैं आपसे फिर एक बार कहती हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ थी, आपके साथ रहूंगी। ये निर्वाचन एक एमएलए बनने का निर्वाचन नहीं है, ये निर्वाचन है उस घमंड को तोड़ने का जो सोचती है पश्चिम बंगाल पर राज करेगी, मारवाड़ियों को लूटेगी, गुजरातियों को डराएंगी, सरदार के साथ बेइंसाफी करेंगी, उनकी पगड़ी की तोहीन करेंगी और स्टेज पे जाके बोलेंगी ये अल्लाह चप्पल के भालो रख अल्लाह, और हम जो है देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, मारवाड़ी उतरेगा, गुजराती उतरेगा, जैनी उतरेगा, हर धर्म का आदमी प्रियंका तिबरेवाल के लिए इस बार उतरेगा और ममता बनर्जी का घमंड तोड़ेगा। धन्यवाद।